शाहरुख खान, आमिर खान, अब जो काफ़ी पहले से और यंग जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर है, जो ज़ीरो से हीरो बने हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। एज एन एक्टर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अटल जी का किरदार उन्होंने काफ़ी हद तक निभाया। मैं तो बोलती हूँ ना, मेरे पास आसमान में भी जितने स्टार हैं ना वो भी कम है। ब्यूटीफुल, समझने लायक है। मैं चाहती हूँ छोटे बच्चे को लेके आना चाहिए, क्योंकि वो ये भारत का एक युवा नेता और बोलते हैं ना एक तड़प होनी चाहिए उन बच्चों में, इसलिए बच्चों को पिक्चरें दिखाना चाहिए। लेकिन टोटली सोक्ड इन द कैरेक्टर, दैट लाइन मैं अटल हूँ, ये मूवी देख के आपको पता चलेगा व्हाई इज अटल बिहारी वाजपेयी, मैं अटल हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 22 जनवरी आने वाली है, उसके पहले ये जो मूवी रिलीज हुई है, अगर ये पब्लिक देखेगी तो 22 जनवरी को बहुत अच्छी तरीके से और भी खुल के वो महोत्सव तय करेंगे। अगर कैरेक्टर की बात करें ना तो पंकज त्रिपाठी जी ने अच्छा किया है, एकदम एक्सलेंट, बहुत मस्त एकदम। मैं एकदम इतना भावुक हो गई हूँ ना, और उनका जो एक्टिंग है वो रियल लग रहा है, मतलब उसमें अटल जी दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको ऐसा खड़ा किया है और बस जैसे इंसान को खड़ा करते हैं बोले बोलो बोलो, नहीं सच दिखाई दे रहे हैं उसमें अटल जी का, एकदम मस्त। उसमें ऐसा कुछ भी कमी नहीं रहा है, ये होना चाहिए या ये डालना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, एक नंबर, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, ब्रिलियंट। सेकंड पार्ट इज बेटर बिकॉज वो हम काफ़ी रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो बीजेपी और मोदी जी को काफ़ी सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत होती है, तो सेकंड पार्ट मेरा फेवरेट बन गया है। त्रिपाठी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसे सुपरस्टार को सपोर्ट करते हैं जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अब जो काफ़ी पहले से और यंग जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर हैं, बट मैं चाहती हूँ हमें ऐसे एक्टर को सपोर्ट करना चाहिए जो ज़ीरो से हीरो बने हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। एज एन एक्टर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अटल जी का किरदार उन्होंने काफ़ी हद तक निभाया। फिल्म मुझे बहुत बहुत पसंद आई, क्योंकि इस फिल्म को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी, अभी माहौल चल रहा है राम मंदिर का, बीजेपी, अभी इलेक्शन भी आने वाला है, तो मुझे लग रहा था फिल्म देखनी चाहिए मुझे। जब ये फिल्म मैंने देखी तो समझ में आ गया एक्चुअली में यार इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत एक अच्छी चीज़ें हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम कैसे और अच्छे से जान सकते हैं ये हमें देखने को मिला है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आई। बेस्ट पार्ट मुझे इस फिल्म की लगी है कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने देश के लिए, इस देश के लिए अपने प्यार को भी कुर्बान कर दिया है। जो एक स्ट्रगल होता है, मैं खुद जानता हूँ कि किसी से प्यार करना कितना मुश्किल होता है, अपने देश के लिए उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी, दैट्स द थिंग। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, एंड सिंस मतलब मैं अटल बिहारी वाजपेयी की फ़ैन हूँ और ये मूवी जब से आई तो मुझे था कि मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखना है, एंड द मूवी टोटली जस्टिफाइड, एंड आई वुड रिकमेंड वन शुड गो एंड डेफिनेटली वॉच दिस, दैट लाइन मैं अटल हूँ, ये मूवी देख के आपको पता चलेगा व्हाई इज अटल बिहारी वाजपेयी मैं अटल हूँ। एंड पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, लाइक प्रॉपरली बहुत अच्छे से स्क्रीन पे उन्होंने उसको दिखाया है। फर्स्ट हाफ में यू विल फाइंड स्लो, सो नाउ इट डिपेंड्स, लाइक इफ समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानने की अटल बिहारी वाजपेयी का क्या रोल था, तो उनको बहुत अच्छी लगेगी। सेकेंड हाफ में थोड़ा पेस बढ़ा है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्लो लग सकता है बिकॉज उनका इनिशियल लाइफ बताया गया है, तो दैट माइट लाइक बिकॉज ही वॉज अ डिसिप्लिन्ड मैन एंड ऑल। वाजपेयी घड़े है वो संघ परिवार की वजह से ही उनका मतलब ये जो जर्नी है वो उस प्रकार से हो पाया है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत मस्त पिक्चर को मतलब किया गया है डायरेक्ट, जैसा था वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से किया, स्लो मतलब वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है, अगर वो ऐसे नॉर्मल मूवी जैसा होता है तो फिर उसमें कोई यही नहीं रहेगा। ये जो मूवी है उनके कैरेक्टर के ऊपर, उन्होंने कैसे देश को ये किया है, उनका जर्नी दिखाया गया है, इसलिए वो शायद किन लोगों को स्लो लगता होगा, पर अगर आप उनकी वो जर्नी देखेंगे तो उस हिसाब से बहुत अच्छा मूवी। पिक्चर में तो अटल बिहारी वाजपेयी का ही पूरा दिखाया है, और उनके अलावा जो अपने अडवाणी जी है उनका कैरेक्टर, क्योंकि बाकी सब तो शॉर्ट शॉर्ट में है सारा, तो उनका ही जर्नी दिखाया गया है, तो उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अडवाणी जी का मुझे अच्छा लगा कि उनके साथ उनको दिखाया गया। शायद पसंद भी ना करे पर मैं भी तो आज की जनरेशन हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छे लगा और सबने देखना चाहिए। नहीं नहीं काहे की स्लो है, स्लो नहीं है, समझने के लिए स्लो ही बोलना जरूरी है। अगर आप 5 साल के बच्चों को अगर आप
फटफट फटफट बोल के निकल जाएंगे, वो बच्चा क्या समझ पाएगा। इसलिए इज वेरी गुड, स्लो ही उन्हें समझने के लिए स्लो ही बोलना चाहिए। अगर प्रोफेसर अगर इतना फास्ट बोल के जाएगा तो स्टूडेंट क्या समझ पाएगा। वही प्रोफेसर अगर धीरे धीरे समझने की या एक्सप्लेन करने की वो ये रखेगा तो ही वो समझ पाएगा। कुछ स्लो नहीं है, कुछ नहीं, ब्यूटीफुल, समझने लायक है। मैं चाहती हूँ छोटे बच्चे को लेके आना चाहिए, क्योंकि वो ये भारत का एक युवा नेता और बोलते हैं ना एक तड़प होनी चाहिए उन बच्चों में, इसलिए बच्चों को बिचारे दिखाना चाहिए। मैं पंकज त्रिपाठी सर का फ़ैन हूँ और कहीं ना कहीं मैं एक उनका स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ, फिल्मों में मैं भी एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। तो मैं अगर पंकज त्रिपाठी सर मूवी टॉकीज को आप देख रहे हैं तो लव यू सर, आपने कभी भी एक सेकेंड के लिए मुझे महसूस होने नहीं दिया कि लाइक एक बार पंकज त्रिपाठी स्क्रीन पे हैं। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ही उस 70mm के पर्दे पर दिख रहे थे और आपने उनके कैरेक्टर को इस तरह से जीवंत कर दिया है और हमने अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत सारी चीज़ें सीख ली जो मैं आज से जितना हो सके लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर कैरेक्टर की बात करें ना तो पंकज त्रिपाठी जी ने अच्छा किया है। लाइक बाकी कास्ट इसमें APJ अब्दुल कलाम है, स्लाइटली सा है, बट आपको लगेगा सच में आ गए क्या APJ अब्दुल कलाम, तो एक सीन उनका भी है। प्लस इसमें पीयूष मिश्रा का कैरेक्टर अच्छा है और साथ में लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो कैरेक्टर है वो भी अच्छा ही है, बट उनका नाम सर मैंने याद नहीं है एक्टर, बट उनका कैरेक्टर मुझे दिमाग में रह गया, जब भी मैं इनको देखूंगा समझ जाऊंगा। तो इन सभी ने मतलब कास्टिंग अच्छी है, बहुत अच्छे से कास्ट करा गया है, अच्छे अच्छे लोगों को कास्टिंग कर गए, लेकिन फिल्म पंकज त्रिपाठी के चारों बगल घूम रही, तो मैं तो पंकज त्रिपाठी को देख रहा था, बहुत मज़ा आया मुझे। बढ़िया सी लव स्टोरी है, आप देखोगे जब आप इस फिल्म को देखोगे। मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, मुझे पता है रिव्यू देख लेते हैं और फिल्म में बाद में पता चलता, कुछ ऐसा नहीं, फिल्म में है रिव्यू, लव स्टोरी है, तो फिल्म जब देखोगे ना तब समझ में आएगा मामला। ये आज वर्किंग डे भी है और सुबह सुबह का शो है इस हिसाब से, पर मुझे लगता है अभी जैसे 22 जनवरी आने वाली है, उसके पहले ये जो मूवी रिलीज़ हुई है अगर ये पब्लिक देखेगी तो 22 जनवरी को बहुत अच्छी तरीके से और भी खुल के वो महोत्सव करेंगे। स्टोरी स्लो नहीं, एक्चुअल किरदार जो है बीजेपी का, बीजेपी के जो नेता है अटल जी का, वो ऐसा ही है, क्योंकि मैंने उनके खुद वीडियोस देखे हैं, उनके भाषण सुने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कोई स्लो नहीं है, वो रियल एक्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं संघ परिवार से थोड़ी जुड़ी हुई हूँ और मैं देखती आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि संघ परिवार से जुड़ के ही उन्होंने ये सब मतलब जर्नी उनकी सफल हो चुकी है, तो लोगों ने देखना चाहिए और मतलब अपना जो कल्चर है, जो हिंदू का कल्चर है, वो सब ने ये करना चाहिए, पसंद करेगी। देखिए देश को लेकर सभी जानना चाहते हैं, मैं अभी का जनरेशन हूँ, मैं मुझे देश के बारे में बहुत फिक्र रहती है कि लाइक क्या होगा फ्यूचर में, कैसे क्या होगा, मैं कैसे देश में अच्छे से रह पाऊँगा। अगर मैं अगर देश के बारे में इतना पर्सनली सोचता हूँ ना तो ये फिल्म मुझे पसंद आएगी, तो ये वाला मामला है। मैं लड़ाई करना चाहता हूँ अटल के टीम से कि सर क्या आप लोग कर रहे हो, प्रमोशन का कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैं कहीं नहीं देख पा रहा हूँ, और ये फिल्म अच्छी है, फिल्म बेकार सा फिल्में चल जा रही है, और ये अच्छी फिल्म, अच्छा कंटेंट है, आपने बहुत साफ़ सुथरी फिल्म बनाई है, अगर थोड़ा सा प्रमोशन की और थोड़ा सा ध्यान देते हैं फिल्म जाती, बट मैं जहाँ तक मानता हूँ अगर ये मूवी टॉकीज़ का ऑडियंस अगर देख रही है तो गाइज़ ये फिल्म अच्छी है, तुम फिल्म देख सकते हो, आओ देखो और तुमको समझ आ जाएगा तुम्हारा पैसा वसूल है। एक स्टार, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में स्कोप है और भी चीज़ें इन्हेंस करने की, और डायरेक्शन में थोड़ा रवि सर का कुछ लगा कि नहीं, क्योंकि यार नेशनल अवार्डेड डायरेक्टर हैं और मुझे लगता है कि उनकी चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग हो गई, बट ठीक है, मैं ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लगता है फिल्म के साथ ना कुछ तो हुआ है, फिल्म का कुछ सीन ना ज़बरदस्ती काटे गए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था फिल्म कहीं ना कहीं बीजेपी बेस्ड ना हो जाए ऑडियंस को, लेकिन मेरा ये मानना है बीजेपी के नेता की कहानी है तो वही दिखेगी ना, आपको इसमें कुछ और अमेरिका के नेता की कहानी तो बताया नहीं जाएगा, बस ये थिंग है, इसलिए थोड़ा सा एक नंबर काटूंगा। हाँ, म्यूज़िक की वजह से, मुझे म्यूज़िक थोड़ा सा और होना चाहिए था, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग कुछ ऐसे होना चाहिए जिस वजह से मार्केटिंग होती यार इसमें। लेकिन टोटली सोक्ड इन द कैरेक्टर, 4.5। देखो एक तो सवेरे का टाइमिंग था, समझे, अभी के मुंबई में या किधर भी इतनी भाग दौड़ है कि कोई इतना समय नहीं, लेकिन चलो अभी हम लोग थोड़ा अपना ही ऑफिस है इसके लिए हम आगे देख के गए, भीड़ होगी क्यों नहीं, और ये फर्स्ट शो है। मैं तो बोलती हूँ ना, मेरे पास आसमान में भी जितने स्टार है ना वो भी कम है। 5 to 5, 4.5। 5 में से 4 स्टार दूंगा,